इसके जो है पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ देख लिया था, पढ़ लिया था। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या था, एक बार छोटा सा एक रिवीजन हो जाए। इधर हमने क्या लिया था, वेक्टर ए, और ये क्या था, वेक्टर बी, और इनके बीच का जो एंगल था वो हमने क्या कंसीडर किया, थीटा। और मैंने आपको कहा कि ये यहां से ऐसा इसे इमेजिन करना पड़ेगा, ये यहां पे वेक्टर बी है, ठीक है। और इसके बाद हमने इसके कंपोनेंट को रिजॉल्व किया, तो ओ पी क्यू एस टी ऐसा लिया, और रिजल्टेंट आ गया अभी ये मॉड ऑफ वेक्टर आर, और ये इसके कंपोनेंट, ये भी थीटा होगा, तो बी कॉस थीटा और ये बी साइन थीटा, और रिजल्टेंट आ गया आपका, रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल्स टू, कल यही आया था, कल हमने प्रूव कर लिया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, और फिर इफ ए इक्वल्स टू बी देयरफॉर आर इक्वल्स टू टू ए कॉस थीटा बाई टू, एंड टेन अल्फा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विद द फर्स्ट वेक्टर, तो ये क्या हो गया अल्फा, टेन अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा। ये इतनी बातें हमने कल, मतलब एक वीडियो में हमने कर लिया था, तो इसके पहले वाले वीडियो में। तो अब थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं, देखते हैं और क्या होता है। अगर आप ऐसा इमेजिन करो कि कोई दो वेक्टर हो बट उसका रिजल्टेंट, मतलब कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये फर्स्ट वेक्टर के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो क्या होगा। ओके, इफ द रिजल्टेंट ऑफ, मतलब यहां पे आप केस लिखोगे, केस क्या है कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ, ये एक क्वेश्चन है एक तरीके से, आप कैसे भी इमेजिन करके लिखो, बहुत ही अच्छा है ये। इफ द रिजल्टेंट, इफ अ रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए या फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर आर वेक्टर ए, दोनों, मतलब फर्स्ट वेक्टर मैंने वेक्टर ए को लिया है, तो इस वेक्टर ए पर अगर ये जो रिजल्टेंट है ये परपेंडिकुलर हो और ये कहीं तो भी इधर हो, कैसे भी हो, मतलब कि ये रिजल्टेंट उस पे परपेंडिकुलर आ रहा है, तो इसका मतलब कि देयरफॉर अल्फा की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। अच्छा एक बात, अगर आपने अल्फा निकाल लिया और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर बी, तो सिंपल, ये थीटा है, ये अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा, ये वाला कितना होगा, थीटा माइनस अल्फा, थीटा माइनस अल्फा, और ये अपना मॉड ऑफ वेक्टर आर जिसकी वैल्यू इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए प्लस वेक्टर बी। अच्छा यहां अल्फा हो जाए तो क्या होगा, तो सिंस टेन अल्फा इक्वल्स टू क्या है, बी साइन थीटा पढ़ चुके हैं हम लोग, प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा, तो टेन 90, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 90, तो बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा, टेन 90 की वैल्यू क्या होती है, इंफिनिटी, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। अच्छा इनफाइनाइट की वैल्यू और क्या होती है, बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और मिला हमें क्या, मिला ए प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ए बाय बी। पहली बात, मतलब अगर ये 90 दिया गया हो और आपसे अगर थीटा की वैल्यू पूछी जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, तो यहां से थीटा क्या है, अभी मैं बता रहा था ना, ये अगर ऐसा है और थीटा थीटा मस्ट बी क्या, यहां क्या होगा, माइनस मींस और थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ए बाय बी, मतलब कि यहां पे कुछ ऐसी वैल्यू आएगी जो क्या होगा, ग्रेटर देन 90 होगा।
थीटा की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 90 होगी अगर रिजल्टेंट फर्स्ट वेक्टर पे परपेंडिकुलर है तो, एक बात ये हो गया। और उस समय जो है आपसे रिजल्टेंट भी पूछा जाता है कि रिजल्टेंट क्या होगा, तो उस केस में रिजल्टेंट के लिए क्वेश्चन है ये, देयरफॉर आपको बहुत जगह मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो आपने पाया क्या कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, माइनस ए बाई टू। ओके, नोट डाउन करते रहो, सीखते भी रहो और नोट भी करते रहो, और अगर वीडियो आगे बढ़ जाए तो उसे पॉज करके फिर से नोट करके फिर आगे बढ़ो। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस ए बाई बी, माइनस ए अपॉन बी। देखो बी से बी कट गया और ये हो गया टू ए स्क्वायर रूट ओवर क्या आया टू, मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये कितना आ रहा है, माइनस ऑफ टू ए स्क्वायर। तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा कि ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये रिजल्टेंट। ठीक है, अब वहां पर आपको केस देगा, कैसा केस देगा कि जो ये रिजल्टेंट है अगर ये भी किसी एक वेक्टर के इतने के बराबर होता, इक्वल होता तो क्या आएगा। मतलब मैंने आपको जस्ट केस दिखा दिया और वहां पे आपको गिवन होगा कि ये रिजल्टेंट कितना है, तो इस रिजल्टेंट की वैल्यू रखने पर, स्क्वायर करने पर फिर जो आपको फाइंड आउट करना है उसकी वैल्यू बहुत ही इजीली निकल जाएगी, आप बहुत ही आसानी से उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इतनी बात समझ में आ गई कि अगर ऐसा केस आया तो हम इस तरह से इसको हैंडल करेंगे। ठीक है, अब है कि ये जो है ये केस था, इसके बाद जो है नेक्स्ट केस है कि इफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो नेक्स्ट केस है कि इफ, अभी तो मैंने अल्फा की वैल्यू 90 ली थी, अभी जो है थीटा की वैल्यू अगर 90 हो जाए, तो नेक्स्ट केस है कि इफ द एंगल बिटवीन, इफ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 90 डिग्री, मीन दैट इज केस है इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90। थीटा 90 का मतलब क्या हो गया कि ये जो दोनों वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, बोथ आर परपेंडिकुलर, मतलब कुछ ऐसा केस कह रहा है। ठीक है, और ये आपका फिर रिजल्टेंट कुछ, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा, और ये जो भी अल्फा, तो ये जो है अगर ये 90 डिग्री हो गया, देयरफॉर रिजल्टेंट आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो देयरफॉर रिजल्टेंट आर इक्वल्स टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसी केस में आपका जो ये टैन अल्फा होगा, एंड टैन अल्फा इज इक्वल्स टू क्या था, बी साइन थीटा, तो बी साइन 90 अपॉन ए प्लस बी कॉस 90। तो आप कॉस 90 से देख रहे हैं ये क्या हो गया, जीरो। तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू क्या आ गया, b by a। उस केस में क्या होगा, tan अल्फा इज इक्वल्स टू b by a, या अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, जब यही साइड जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो b by a। ये ऐसा केस। ओके, एंड नेक्स्ट केस, अगर इफ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 180 डिग्री, अगर 180, देखो आपको ये दो केस बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट करने, एक 0 डिग्री और एक 180 डिग्री का। तो पहले हम लोग ले लेते हैं 0 डिग्री का। इफ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, नेक्स्ट केस है, इफ द एंगल बिटवीन
वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज जीरो डिग्री, ठीक है। तो आपके लिए इफ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज जीरो डिग्री, अगर ए और बी के बीच का एंगल क्या हो जाए, जीरो डिग्री हो जाए, therefore resultant r equals to a square plus b square plus 2ab cos 0 degree, cos 0 की वैल्यू क्या होती 1, तो ये हो गया a square plus b square plus 2ab और ये हो जाएगी फिर a plus b of whole square, therefore resultant r equals to a plus b, therefore resultant r equals to a plus b, और इसी केस में आपका ये tan alpha क्या होगा, and tan alpha is equals to, ये ऊपर तो जीरो हो गया तो नीचे कुछ भी रहे a plus b cos 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, टेन जीरो की वैल्यू जीरो, मतलब रिजल्टेंट भी, रिजल्टेंट उस क्या होगा, उसी वेक्टर पर ही होगा, फर्स्ट वेक्टर पे, मतलब एक्चुअली ये तो जीरो होने का मतलब हो गया कि बिल्कुल एक दूसरे पे कैसे अलाइन होना जो है, ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये ऐसा पूरा इसी पर आ जाएगा, ओके। मतलब कि ये दोनों वेक्टर एक ही वेक्टर पे हो गए, ऐसा मतलब है, मतलब ये जो है ये ऐसा आ गया, ठीक है। यहां से आपको समझने के लिए ये है कि ये दोनों वेक्टर क्या आ गए, एक ही पे आ गए, और वैसे देखा जाए तो ये एक दूसरे का क्या हो जाते हैं, सम हो जाते हैं, ए प्लस बी। अब जो नेक्स्ट है कि अगर ये 180 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, ऐसा बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, if theta is equals to 180 degree means the angle between vector a and vector b is 180 degree, b किधर चला गया, इधर आ गया, अब उनके बीच का एंगल कितना आ गया, 180 degree, therefore resultant r equals to a square plus b square plus 2ab cos 180, और cos 180 की वैल्यू होती है minus 1, ये हो गया a square प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और फिर ये a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर और रिजल्टेंट इक्वल्स टू a माइनस बी, ठीक है। आपको ऐसा याद रखना है, अगर कोई दो वेक्टर हो, कोई दो अलग अलग वेक्टर हो और उनके बीच का जो एंगल हो अगर वो 180 डिग्री हो जाए तो तुरंत तो आपके दिमाग में आना चाहिए रिजल्टेंट इक्वल्स टू a माइनस बी, ओके। ऐसा बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जो है, तो ऐसा आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट, और वैसा टेन अल्फा भी निकाल लेंगे, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रखनी है, फिर आपको वही मिल जाएगा। तो ये था आपका जो है ये केस था, और ये अगर ए और बी इक्वल हो तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको समझा दिया था। तो ये इस प्रकार से आपने जो है ये पूरा कर लिया। तो अब है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, योर नेक्स्ट टॉपिक इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो आप जो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देखें, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और इसके पहले एक सॉल्व एग्जांपल दिया है, बहुत इजी है, उसे आप फटाफट कर सकते हो। ठीक है, जैसा कि उसने कहा है कि अ वाटर इज फ्लोइंग इन अ, किधर, अ वाटर इज फ्लोइंग इन अ स्ट्रीम, अ वाटर इज फ्लोइंग इन अ स्ट्रीम विथ वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर इन अ ईस्टर्ली डायरेक्शन रिलेटिव टू द शोर। स्पीड ऑफ द ऑफ अ बोट इज रिलेटेड टू द स्टिल वाटर इज 20 किलोमीटर पर आवर इफ द बोट इंटर्स द स्ट्रीम हेडिंग नॉर्थ विथ
व्हाट वेलोसिटी विल द बोट एक्चुअली ट्रैवल। ओके, तो कुछ नहीं, इसने जैसे जैसे कहा वैसा वैसा कर दो। उसने कहा कि जो है तो कहता है कि स्पीड ऑफ बोट इज रिलेटिव टू वाटर इज 20 किलोमीटर पर आवर। तो देख लो, ये हमने ऐसा 20 किलोमीटर पर आवर ले लिया और उसने कहा कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, 5 easterly direction। तो 5 किलोमीटर पर आवर, ये 5 किलोमीटर पर आवर easterly direction। तो वैसा देखा जाए तो रिजल्टेंट आपका ये बन गया, हेड और टेल से कनेक्ट है, तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर। तो बस रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आर इक्वल्स टू, अगर दो वेक्टर क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। कैसे, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो ये आप उठाकर यहां रख दो, ठीक है, मतलब ऐसा इमेजिन करो कि ये यहां है, तभी तो वो रिजल्टेंट हो सकता है। तो ये दो वेक्टर हो गए और ये कितना हो गया, 5 किलोमीटर पर आवर हो गया, और ये उन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। जब किसी दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, a² + b²। तो ये ए स्क्वायर मतलब 20 होल स्क्वायर और प्लस 5 होल स्क्वायर, तो कितना हो गया, 400 + 25 मीन्स रूट ओवर 425, और इसकी जो वैल्यू आएगी, दैट वैल्यू विल बी 20.61 किलोमीटर पर, मतलब उसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, इतनी होगी। और डायरेक्शन की बात कर रहा है, तो जब ऐसा होता था तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू क्या आया था, b sin theta upon a + b cos theta। तो b sin b / a आया था, तो b कितनी, b हमने कितना लिया है, मतलब सेकेंड वेक्टर किसको कंसीडर किया है, मतलब फर्स्ट वेक्टर a, सेकेंड b, तो b कितना हो गया, 5 / 20। तो अल्फा बराबर, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 5/20, और इसकी जो वैल्यू हो गई, दैट्स वैल्यू विल बी कितना, 14। कितनी आ गई जो है, अगर आपको इसकी वैल्यू आती है तो ठीक है, अगर नहीं भी आता है तो आप यहां पर लिखकर आंसर छोड़ देंगे तब भी आपका करेक्ट माना जाएगा, 14 डिग्री। और ये 04 सेकेंड, 04 सेकेंड, ये आपका आंसर है। तो कह रहे थे वेलोसिटी ऑफ बोट इज 21.6 किलोमीटर पर आवर इन अ डायरेक्शन ऑफ 14 डिग्री 0.4 सेकेंड ईस्ट ऑफ नॉर्थ। नेक्स्ट है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अगर हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात करें तो थोड़ा सा इसे अपने तरीके से देखते हैं हम लोग। तो रिजोल्यूशन ऑफ जो वेक्टर है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, अगर आप रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात करो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, तो यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल देता, आपको याद होगा ऐसा हम पहले भी आपको दिखा चुके, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये आपका कोई तो भी पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर आपने ऐसा लिया है, और इसी को आपने कहा था पोजीशन वेक्टर, ये ओपी याद आया आपको, जो कि एक्स एक्सिस से कोई तो भी एंगल बना रहा है। तो अभी बात है रिजोल्यूशन की, यहां से मैं पोजीशन वेक्टर हटाकर कोई तो भी एक वेक्टर ए ले लेता हूं। तो अगर आप देखें तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है कि जो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है, हाँ बस ऑफ कर दो। ओके, तो जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में अगर देखा जाए, अगर ये यहां से थीटा एंगल बनाता है तो ये ओ पी और यहां पे मैंने क्यू ले लिया, ओ पी क्यू। तो बस अगर मैं आपसे ओ क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहता हूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ क्यू, तो कुछ नहीं, अब अगर मैं ओपी वेक्टर ओपी का
मॉड ले लूं तो डायरेक्ट आ जाएगा ए, मतलब ओपी इज इक्वल्स टू ए। तो पहले आपको जिस जिस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो आप ऐसा लिखो ओ क्यू, और इन तीनों इन ट्राइंगल्स में जिसकी वैल्यू बताया, पता किसकी है, ओपी की अपान ओपी, तो ये किसके इक्वल होता है। अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से देखें तो इन ट्राइंगल ओ क्यू पी, तो ये जो कुछ भी हो रहा है किसमें हो रहा है, इन ट्राइंगल ओ क्यू पी, तो ओ क्यू अपान ओ पी सॉरी पी ओ क्यू अपान ओपी, तो ये हो गया बेस अपान हाइपोटेनस, ये किसके इक्वल होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओपी कॉस थीटा, तो ओपी की वैल्यू क्या हो गई ए, ये हो गया ए कॉस थीटा ओ क्यू, एंड सिमिलरली साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, अगर हमें आपको PQ फाइंड आउट करना है तो PQ अपान OP, PQ अपान OP implies that PQ is equals to OP sin theta, OP की वैल्यू क्या है A, A sin theta, ये PQ हो गया, PQ is equals to A sin theta। तो आपको मिल गया कि ये जो इसकी वैल्यू थी ये कितनी आई ए कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू आई ए साइन थीटा, है ना। तो अगर ये एक्स के अलोंग है तो इस मतलब सिंस हियर ओ क्यू इज इक्वल्स टू, हम लोग इसे ए एक्स कंसीडर करते, जस्ट कंसीडर किया गया है ए एक्स इक्वल्स टू, मतलब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ए एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, ये यहां से ऐसा कंसीडर किया जाता है। एंड पी क्यू, पी क्यू इज इक्वल्स टू ए वाई इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, ये इस तरीके से आपके लिए दो वेक्टर हो जाते हैं। तो आपने देख लिया कि कैसे हम लोग जो है कंपोनेंट को रिजॉल्व करते हैं, कोई भी वेक्टर होता है एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एक उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है, उसका जो हॉरिजॉन्टल जहां से थीटा जिस एक्सिस से थीटा लगी हुई होगी वो उसका हॉरिजॉन्टल कोसाइन टर्म, और जो ये परपेंडिकुलर वाला होगा वो साइन टर्म। तो ये इस तरीके से जो है आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। और अगर मैं यहां से पूछूं कि व्हाट डायरेक्शन मेड बाय द गिवन वेक्टर या मेक्स बाय द गिवन वेक्टर, तो क्या डायरेक्शन बनाता है ये जो है गिवन वेक्टर। तो फॉर डायरेक्शन अगर हम लोग ऐसी डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन की अगर देखें तो कुछ नहीं, यहां से टैन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, ये है ए वाई और ये है ए एक्स, तो क्या हो रही है ये tan theta is equals to ay by ax, तो और theta is equals to tan inverse ay by ax, tan theta is equals to ay by ax। तो आपको बिल्कुल क्लियर कट ये सब समझ में आने लग गया कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं और किसी का कंपोनेंट कैसे रिजॉल्व करते हैं। और ये मैंने आपको बताया था कि एक वीडियो पहले जब आप पैरेललोग्राम लॉ पढ़ रहे थे तो वहां पे वो बी वेक्टर बी का मैंने कंपोनेंट निकाला, बी कॉस थीटा बी साइन थीटा। तो ऐसा आप इमेजिन करो कि अगर यही बी कॉस थीटा है, ठीक है, ऐसा इमेजिन करो कि यही बी कॉस थीटा है, तो फिर ये क्या होगा, ऐसा ओ सी है। अब अगर ये बी है, वेक्टर बी है, याद आया आपको, वो भी थीटा एंगल बना रहा था, तो कुछ नहीं उसका हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट क्या हो जाएगा बी कॉस थीटा, वर्टिकल वाला बी साइन थीटा, ओके। तो ये जो पैरेललोग्राम लॉ में आपको आया था अचानक, ये एक्चुअली रेजोल्यूशन पढ़ने के बाद फिर पैरेललोग्राम लॉ आता है, लेकिन आपकी स्टेट बोर्ड की बुक में इसने आगे पीछे कर दिया है, तो आपको अभी वो क्लियर हो गया होगा। अगर वहां आपको नहीं समझा है तो आप दोबारा ऐसे समझकर दोबारा एक बार उसको
रीड कर लीजिए, तुरंत क्लियर हो जाएगा। ओके, और आप जो भी है ये सब नोट करते चलो, हो गया। अब आप देखो कि अब मैं आपको कुछ भी ऐसा दे दूं रैंडम कि ये फोर्स है, इसका कंपोनेंट क्या होगा, तो आपके लिए रेजोल्यूशन बहुत ही आसान है। तो और ये बिल्कुल मैथमेटिकली करेक्ट है। देखिए कैसे कि अगर मैं कहता हूं कि कोई तो भी फोर्स वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, कोई भी फोर्स वेक्टर है और उसका एंगल क्या है, फाई बनाता है, तो कुछ नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, तो आप बोलोगे ये एफ एक्स और ये एफ वाई। तो यहां से ये जो वेक्टर है, अगर आपको मैं यूनिट वेक्टर के पैटर्न में या फैशन में लिखने के लिए, नोट डाउन करने के लिए बोलूं, तो वेक्टर एफ इक्वल्स टू क्या होगा, ये एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जी कैप। अब टारगेट ये है कि एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एफ वाई की वैल्यू क्या होगी, जैसे आपने पहले किया फिर वैसे ही इधर भी करना है। तो ये एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ कॉस फाई कंपोनेंट उसका, एफ वाई की वैल्यू एफ साइन फाई। तो बहुत ही अच्छा, देयरफॉर ये वेक्टर एफ इक्वल्स टू एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ कॉस फाई प्लस, अच्छा ये आई कैप प्लस एफ साइन फाई ये जी कैप। बहुत ही बढ़िया। फिर इस वेक्टर एफ को अगर देखा जाए तो एफ आपका कॉमन हो जाता है, ये आता है कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई ये जी कैप। अब अगर मैं आपको इस वेक्टर का मॉड लेने के लिए बोलूं, और जो ये वेक्टर एफ है जिसका मैग्नीट्यूड हमें पता है कि ये अगर मैग्नीट्यूड लूंगा तो मॉड लूंगा तो एफ आएगा, तो क्या उसके राइट साइड वाला भी एफ ही वैल्यू देगा। अगर एफ देता है तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर देख लेते हैं। तो इसका जब मॉड ऑफ एफ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर, थोड़ा यहां से, कि आई के कोफिशियंट का स्क्वायर। इसका मेथड क्या है, आई के कोफिशियंट का स्क्वायर और इधर जे के कोफिशियंट। तो आई के कोफिशियंट क्या है, एफ कॉस थीटा एफ कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस एफ साइन फाई ऑफ होल स्क्वायर। तो ये यहां से एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। एफ को मैंने कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, इसकी वैल्यू क्या हो गई, वन। तो रूट ओवर एफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ। ये है मॉड ऑफ वेक्टर एफ, ये ऐसा आ गया जो है। और यहां से अगर मैं डायरेक्शन की बात करता तो बहुत ही वेरी इजी, क्या ले लेंगे आप लोग, यहां से टैन फाई इज इक्वल टू एफ वाई बाय एफ एक्स, और फाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स एफ वाई बाई एफ एक्स। ये आपका ऐसा डायरेक्शन होगा। तो ये है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। तो ये रहा आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब आप देखिए नेक्स्ट कोई एक यहां पर एग्जांपल दे रखा है इसने। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बताया जाए कि अगर कोई वेक्टर हो और कैसा हो कि अगर मैं बोलूं कि कोई एक रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर आर है, कोई भी एक रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर आर है, तो आप उसे यूनिट वेक्टर के फैशन में लिखो। तो बहुत ही आसान है आपके लिए कि वेक्टर आर कुछ ऐसा दिया है, दिया भी गया है। कैसे, यहां पर देता है कि वेक्टर आर इज इक्वल्स टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड।